स्क्रीन विजिबल है बेटा मेरी? रिप्लाई कीजिए, यस सर। स्क्रीन विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर। ओके, यस सर। पिछले कल का टॉपिक आपने डिटेल में देख लिया था। पिछले कल का टॉपिक आपकी क्लास में तो क्वेश्चन पूछे थे मैंने आपसे, उसके बाद मैंने क्वालिटी फैक्टर करवाया था, क्यू फैक्टर आपने देख लिया था, देखा नहीं है तो देख लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यू फैक्टर। देखा है कि नहीं देखा है? रिप्लाई कीजिए। क्वालिटी फैक्टर कल करवाया गया है, क्वालिटी फैक्टर का टॉपिक। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये देखा नहीं है तो देखना, उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये वाला टॉपिक मैंने कल करवाया, किस किस बच्चे ने देखा है? कोई भी नहीं ऐसा? जल्दी करो रिप्लाई, मेरा टॉपिक आज नया है और लेंथी है, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना है उसके ऊपर। रिप्लाई कीजिए बेटा। ओके, रिकॉर्डेड पढ़ा है, इट्स योर विश। ये वाला टॉपिक कल करवाया गया था डिटेल में, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में इसका मतलब ये था कि आई नॉट करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो उस टाइम रेजिस्टेंस और ये करंट आपस में कैसे वेरी करेगा। बैंड विड्थ क्या थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अराउंड? फ्रीक्वेंसी स्प्लिट होती है दो पार्ट में, ओमेगा टू में और ओमेगा वन में, ये इसको बैंड विड्थ बोलते हैं। बैंड विड्थ से करंट पे क्या असर पड़ेगा ये सब करवाया गया है, यू कैन सी दैट, आप वहां से देख सकते हो। मेरा आज का टॉपिक है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में हम जो है टॉपिक कर रहे हैं एलसीआर सर्किट, हम एलसीआर सर्किट ही बात कर रहे हैं। सपोज दैट इज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, अब डीसी करंट की बात तो हमने कर रखी है पहले ही, एल सी आर सर्किट, सपोज दैट वी हैव एल सी आर सर्किट, गिवन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर एल सी, कैपेसिटर रेजिस्टर, एल सी आर सर्किट। अगर डीसी करंट होता तो पावर तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। लेकिन जब एसी करंट की बात आती है, एसी करंट जो है पास करता है, तो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला ये नहीं रहता, पावर क्या बन जाता है, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ईएमएफ इसमें कौन सी लगेगी, इंस्टेंटेनियस, मल्टीप्लाई बाय करंट, इंस्टेंटेनियस। अब कल हमने करवाया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने करंट यहां से कैलकुलेट किया था, करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन। अब करंट आगे चल रहा था या पीछे बताइए, करंट इस कंडीशन में किस कहां पे था, रिप्लाई करो, कौन बच्चा बताएगा, I किसके बराबर था,
ऐसे नहीं बताओगे आप, आपको पूछना पड़ता है। सर क्लॉकवाइज। क्या चीज बोल रहे हो बेटा? सर करंट क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज। आर यू ओके? आपका दिमाग ठीक है? क्या बोल रहे हो आप? क्लॉकवाइज में ईएमआई थोड़ा पढ़ा रहा हूं। आर यू ओके? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बेटा, फिजिक्स की क्लास है ये। कौन बच्चा बताएगा यहां पे क्या लिखूं मैं, जल्दी बोलो। ऐसे नहीं बोलोगे सर आप। ओमेगा टी माइनस फाइव। ओमेगा टी माइनस फाइव। ओमेगा टी माइनस फाइव ये चल रहा है करंट। क्या क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? जब आपको बताया फेज रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ओमेगा टी माइनस फाइव तब आता है जब हमने वी एल माइनस वी सी दिया था। ये ध्यान रखें फेज डायग्राम में, ये वाली डायग्राम थी जो इसमें ये वाला रिजल्टेंट हमने वी एल माइनस वी सी दिया था। अगर हमने इधर वी सी माइनस वी एल लिया होता तो ये उल्टा आता है, ओमेगा टी प्लस फाइव आता है। इसका ध्यान रखें, अगर ये वी सी इधर वाले से बनाते हम रिजल्टेंट तो ये करंट इधर। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? क्या बोल रहा हूं मैं, रिप्लाई करो। ये वैल्यू है मेरी पावर के, पावर का मैंने डेफिनेशन लिखा, पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट। अब मेरे पास इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ही है, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई विल पुट द वैल्यू हियर, पावर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इट बिकम्स पी इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, टू साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है टू साइन ए, ये लगेगा यहां पे साइन बी, इसका फॉर्मूला रहेगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। तो यहां पे टू तो है नहीं, यहां पे टू है नहीं, तो ऐसा करते हैं पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट। मैंने क्या किया, यहां टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया यहां टू लाने के लिए, और ये बन गया टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज। अब ये फॉर्मूला बना टू साइन ए साइन बी, ये लगा टू साइन ए साइन बी। सो पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू टू साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, दैट इज कॉस, ये ए है आपके पास, ये बी है, पूरा करते दिस माइनस दिस करें तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा और कॉस फाइव बचेगा सर, कॉस फाइव। आगे फॉर्मूला में माइनस है, माइनस कोसाइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, इट इज इक्वल टू टू ओमेगा टी माइनस फाइव। स्टेप समझ में आ गया? बोलो, रिप्लाई करो। रिप्लाई करो, ये स्टेप्स फॉर्मूला कैसे लगाना है, आ गया ना समझ? कोई भी नहीं है क्लास में, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा।
और रिप्लाई करो बेटा। यस, ये आई मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर, मुझे एवरेज पावर निकालनी है ओवर द फुल साइकिल ऑफ एसी। ये होता है पूरा साइकिल एसी का, जीरो टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड और पूरा, ये पूरा ओवर द फुल साइकिल। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, इस राइट इधर भी एवरेज ऑफ ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू कोसाइन फाइव माइनस कोसाइन टू ओमेगा टी माइनस फाइव एवरेज। अब इस फॉर्मूला में ये जो दूसरी टर्म है इसको ध्यान से देखना, नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो कर लेते हैं, इसका एवरेज निकाले ओवर द फुल साइकिल तो इसका आंसर जीरो आता है। आपको इस तरह इधर जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही एवरेज पावर इसका इंटेग्रेशन करें ओवर द फुल साइकिल एवरेज निकालें तो इसका आंसर जीरो आता है। तो पावर एवरेज का सिर्फ और सिर्फ आपके पास फॉर्मूला बनेगा ई नॉट I not divided by 2 cosine phi, cosine phi ये बना आपके पास। अब देखिए पावर इज इक्वल टू, अब आपके क्वेश्चन यहां से बनना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन मल्टीपल। E not I not को मैंने लिख लिया, 2 को मैं लिखता हूं 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये भी यहां भी रूट टू यहां भी रूट टू कोसाइन फाइव। सो पावर इज इक्वल टू, अब ई नॉट बाई रूट टू कौन सी वैल्यू है बताएं जरा, ई नॉट बाई रूट टू ई नॉट बाई रूट टू कहीं पढ़ा है आपने? दिव्यांड भारती माइक ऑन करें जरा अपना, दिव्यांड भारती ऑन योर माइक। यस सर। व्हाट इज ई नॉट बाय रूट टू? व्हाट इज ई नॉट बाय, हाँ जी बोलो। What is I not by root 2? No answer. Mansi Thakur, what is E not by root 2 on your mic? Sir, I not by root 2 is equal to I RM. E not by root 2? E RMS. E, very good. E root mean square. I root mean square. Cosine phi. Good. I know that A dot B is equal to A ka magnitude. B ka magnitude cosine theta. A B cos theta. Main isko aise likhta hun. E root mean square dot I root mean square. आपका ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा यहां से, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब आपने ये जो फॉर्मूला है ये सारे जो है बहुत यूजेबल फॉर्मूला है आपका। अब आपने एसी सर्किट में एक पावर फैक्टर पढ़ा था, पावर फैक्टर कोसाइन फाइव।
साक्षी माइक ऑन करो अपना, और पावर फैक्टर एसी सर्किट में क्या था जल्दी बताओ। बोलो पावर फैक्टर इन एसी एलपीआर सर्किट। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा ये पावर फैक्टर। शिवानी माइक ऑन करो बेटा अपना। शिवानी पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट क्या था बेटा? पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट शिवानी। इसको भी नहीं आता है तो इसका मतलब तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तुम लोगों ने पूरे सर आर बाय जेड। आर बाय तो इतना टाइम क्यों लगाते हो बेटा? आर बाय जेड सर माइक ऑन नहीं हो रहा था। ओके वेरी 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 गुड वेरी नाइस। आर बाय जेड मैंने आपको बार बार बताया है, मैंने हर सर्किट के साथ पावर फैक्टर जो है कैलकुलेट करके बताया हुआ है आपको, और ये इंपॉर्टेंट है। तो पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, ये सब आपको जो है क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू आर बाई जेड, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब हम इसके करेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस नंबर वन, जब सिंगल रजिस्टर लिया था मैंने, इसको एसी सप्लाई दी थी, तो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का वैल्यू कितना आया था बेटा? बोलो करंट का वैल्यू क्या था? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही था। इनके बीच में फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। तो पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट कितनी आ जाएगी? ये सिंगल प्योर रेजिस्टिव सर्किट मैंने कौन सा लिया? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर अब कितनी बनेगी? ई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर और कोसाइन फाई। फाई कितना है मेरे पास? जीरो। कोसाइन जीरो, आई नो दैट कोसाइन जीरो इज वन। सो पावर डिसिपेटेड इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट ई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नोट कर लो इसको। ये मैं सिंगल एलसीआर सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल और सिंगल सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की मैंने। समझ में आ गया ये पॉइंट? रिप्लाई करो, जल्दी बोला करो, और ऐसे टाइम वेस्ट मत किया करो। यस सर। नंबर टू, ये सब क्वेश्चन है लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है। प्योर इंडक्टिव सर्किट इसका मतलब इंडक्टर लगा हुआ है और इसको हमने ईएमएफ दी थी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इज अ प्योर इंडक्टर। और करंट यहां पे आया था आई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन। नित्य माइक ऑन करो अपना, नित्य माइक ऑन करो, नित्य माइक ऑन करो अपना जल्दी।
मैं एब्सेंट काउंट करूंगा नहीं तो अगर माइक ऑन नहीं हुआ। yes. अब मुझे यहाँ ये बताओ अगर मैंने E इज इक्वल टू यस सर यहाँ क्या लिखूं मैं क्या लिखूं मैं यहाँ पे जल्दी बताओ सर सर W W T माइनस पाई बाय टू क्या W W क्या होता है व्हाट इज W ओमेगा T माइनस पाई बाय टू ओमेगा T आगे इतना टाइम पाई बाय टू ओमेगा T आगे माइनस पाई बाय टू माइनस या प्लस माइनस जोर से बोला करो ना माइनस पाई बाई टू गुड इतना टाइम नहीं लगाना इतना टाइम लगाओगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपने बुक से देख के बताया नेक्स्ट टाइम कोई भी बच्चा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू करंट पीछे चलता है ई एम लीड करती है तो फेज रिलेशनशिप पाई पाई क्या बना फेज डिफरेंस क्या बना ओमेगा टी माइनस दिस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया और फेज बना पाई बाई टू इस सर्किट के लिए पावर डिसिपेटेड आएगी ई रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर कोसाइन पाई बाई टू कोसाइन पाई बाई टू कितना होता है बेटा कोसाइन पाई बाई टू बोलिए 90 डिग्री कॉस 90 का वैल्यू जीरो तो ये सब जीरो जीरो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब एमसीक्यू में मत पूछना फिर क्या क्या आता है बात ये सब ही एमसीक्यू बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी लिख दिया मैंने केस नंबर थर्ड इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट केस नंबर थर्ड इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटर ये वाला जो केस था इसको दे दिया ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी करंट इसमें आया था आई इज इक्वल टू वाई नॉट मोक्षिका गौर माइक ऑन करें और बताएं क्या लिखूं मैं यहाँ पे मोक्षिका गौर यस सर क्या लिखूं मैं यहाँ डब्ल्यू टी माइनस पाई बाय टू अरे डब्ल्यू क्या होता है व्हाट इज डब्ल्यू सर ओमेगा टी माइनस ऑनलाइन क्लासेस लगा लगा के घर में क्या पढ़ते हो क्या डब्ल्यू कितनी बार बताया डब्ल्यू डब्ल्यू इंग्लिश का लेटर है ये ओमेगा स्पेशल वर्ड है 10 बार हर बच्चा ये बोलता है डब्ल्यू तुम्हारा दिमाग सबका ठीक है क्या डब्ल्यू ओमेगा बोलते हैं व्हाट इज इनसाइड द ओमेगा सर 2πf तो मैंने इसको W बोला कभी बताना मेरे को मैंने इसको मैं W बोल रहा हूँ कभी ये बताना नो सर तो फिर आपका आप खाते क्या हो आप लोग हद हो गई है बेशर्मी की WB शर्म आनी चाहिए आप लोगों को फिजिक्स पढ़ते हो आप लोग W पहले भी एक बच्चे ने W बोला माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो ऐसे बिना बोल के क्या लिखूं मैं यहाँ पे बताओ दूसरी बार बोल दिया कि W है W जबकि बताया नहीं गया कभी ओमेगा बोलते हैं सर ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू क्या ये सही है यस सर ये भी गलत बोला शर्म होनी शर्म नहीं है कुछ भी नहीं है ना थोड़ा सा भी पढ़ के प्लस पाई बाय टू प्लस तो कुछ तो होगा ही ना फिर बोलते हैं टीचर गुस्सा नहीं करेगा टीचर गुस्सा नहीं करेगा क्या करेगा टीचर टीचर ने 10 बार 100 बार बता दिया टीचर ने कि इसको ओमेगा बोलते हैं
और ये 10 बार मैंने बता दिया कि और इंडक्टिव सर्किट क्या है, कैपेसिटिव क्या है, तो टीचर को गुस्सा ही आएगा और क्या आएगा, फूल बरसेंगे क्या? इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब यहां फेज रिलेशनशिप क्या आएगा, पाई इज इक्वल टू दिस ओमेगा टी माइनस दिस माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट और फाई आया माइनस पाई बाई टू। और पावर डिसिपेटेड इस केस में ई रूट मीन स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर कोसाइन माइनस पाई बाई टू। कोसाइन माइनस पाई बाई टू जीरो होता है, इस केस में भी पावर डिसिपेटेड जीरो आएगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन है, बाद में मत पूछना मुझे कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। ये भी आ सकता है प्योर रेजिस्टिव का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये सब फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं एलसीआर सर्किट की। सिंगल सिंगल तो हो गए, एलसीआर सर्किट की बात करते हैं। पावर डिसिपेटेड उसमें क्या है, ये हमने एलसीआर के लिए निकाला है, एवरेज पावर डिसिपेटेड ये निकाला है मैंने एलसीआर सर्किट के लिए। तो एलसीआर सर्किट में फेज क्या था भाई, व्हाट इज टेंजेंट फाई? यहां पे टेंजेंट फाई की फॉर्म में था फेज। कोई बच्चा बताएगा मुझे टेंजेंट फाई? एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, गुड अपॉन आर। और तो फेज इसमें ये था फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ये था फेज इसमें। तो इस तरह के सर्किट में पावर सिर्फ रजिस्टर में ही कंज्यूम होगी, बाकी में नहीं होगी, बाकी में सिर्फ पावर कंज्यूम्ड इन द रजिस्टर, इस तरह के सर्किट में, एलसीआर सर्किट में। अच्छा केस नंबर ये तो 4 था, 5 पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे, रेजोनेंस कंडीशंस क्या थी मेरे पास एट रेजोनेंस? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। व्हाट इज द करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इंडक्टर की रेजिस्टेंस कैपेसिटर की, आई से आई कट गया, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। आगे हम इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह जो निकालते थे वो आपको पता है। अब ये जब केस होता है तो इसमें इसमें पावर क्या बन जाएगी, इसमें आपने देखा है करंट था मेरे पास आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये जीरो हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू जीरो। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, और इसका नाम तो जेड था, तो जेड आर के बराबर रह गया, जेड इज इक्वल टू आर, जेड जो है आर के बराबर है। अब हमने पावर फैक्टर इसमें पढ़ रखा था, पावर फैक्टर देखो कोसाइन फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब एट रेजोनेंस जो है आर इज इक्वल टू जेड, तो कोसाइन फाई इज इक्वल टू आर बाई आर, आर से आर कट गया, कोसाइन फाई इज इक्वल टू 1, कोसाइन फाई हमारे पास 1 बन गया। तो पावर डिसिपेटेड कितनी आ गई, इज इक्वल टू कोसाइन फाई 1 बन गया, इज इक्वल टू ई रूट मीन स्क्वायर आई रूट मीन स्क्वायर।
तो ये मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड होती है, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस क्यों? बिकॉज एलसीआर सर्किट क्या हो जाता है, एलसीआर सर्किट रिड्यूसेस टू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि उस टाइम करंट कितना आता है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड इज इक्वल टू आर के बराबर बन जाता है, इंपीडेंस गायब हो जाती है इसकी, जेड इज इक्वल टू आर के बराबर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैक्सिमम पावर होती है रेजोनेंस पे, राइट? कितनी? उतनी होती है जितनी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होती है, जो फर्स्ट केस दिया था एट रेजोनेंस, क्योंकि एलसीआर सर्किट क्या बन जाता है, रिड्यूसेस टू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट? क्यों? क्योंकि रेजोनेंस पे इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, एसी, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज तो बराबर हो जाता है, यही बचता है सर्किट सिर्फ, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वेयर। जब ये जीरो हो जाएगा तो आई नॉट सिर्फ ई नॉट बाई आर के बराबर ही बचेगा, ई नॉट बाई आई नॉट के, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर के बराबर ही बचेगा, और ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया ये पॉइंट? ये चारों पांचों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास ऑफ होने वाला है इसका, रिवाइज करें पिछले चैप्टर्स को भी, नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डेड और होगा उस टॉपिक, उसको भी देख लें। मुझे पता है आप वही पढ़ते हो थोड़ा सा जो क्लास में पढ़ा, रिकॉर्डेड को नहीं देख पाते, यू आर वेरी बिजी पीपल, आपके पास टाइम ही नहीं होता है सब कामों के लिए, तो यूटिलाइज योर टाइम, एग्जाम आ रहे हैं उनकी तैयारी करें, अल्टरनेटिंग करंट बहुत जल्दी मैं इस चैप्टर को खत्म करके रिवीजन पे आ रहा हूं, सो बी अलर्ट। मार्केट में बुक्स भी आ गई है मल्टीपल की, अब अरिहंत की आ गई है, एस दिनेश की लॉन्च होने वाली है, अरिहंत की मार्केट में 2-3 दिन में आने वाली है। अरिहंत इज गुड, दिनेश भी ठीक है, जो मर्जी लेने आपने ले लो, एक कॉमन बुक लेंगे तो आई थिंक ऐसा होगा कि सब